अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सूबे वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऐवान इकबाल में अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के चौथे और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के 10वें कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी, प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर सरदार जफरुल फरीद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर अहसन वहीद राठौर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयास, प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर फारूक अफजल और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा और तलबात की कसर तादाद के अलावा वालदेन ने शिरकत की। कन्वोकेशन का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और कौमी तराने से किया गया। सूबे वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस मौके पर 29, 22 और 10 गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाले ग्रेजुएट्स को गोल्ड मेडल्स पहनाए और तारीफी असनाद तकसीम किए। आज कामयाब होने वाले तमाम बच्चों के साथ साथ इनके वालदेन और असातिज़ा को भी मुबारकबाद देती हूँ। इंतहाई खूबसूरत कन्वोकेशन के इनेकाद पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर सरदार जफरुल फरीद का इजहार ख्याल। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाना चाहते हैं प्रोफेसर सरदार जफरुल फरीद। मैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की फाउंडेशन में आई हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और बच्चों से आपको शुक्रिया अपने वालदेन का करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी कठिन होती है और अगर आपको माँ बाप का सपोर्ट ना हो, वालदेन सपोर्ट ना करें, बहुत मुश्किल होता है इन्हें ध्यान से गुजरना। मैं मेरे लिए सबसे अहम वालदेन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट किया और आज दूसरा मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जितने यहाँ साथ मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों को वापस बनाया। बहुत बड़ी खिदमत है आप जब पढ़ाते हैं और ख़ासतौर पर दिल देना कुछ बहुत एक सत्ता डाली है बच्चे पढ़ाते हैं जो हमारे नए डॉक्टर्स हैं उनके लिए मैं जरूरी मेहमान है।